How are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social science of class 7. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. This is the 7th chapter from your geography textbook. Okay, let's start. आज हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार Human Environment, Settlement, Transport and Communication. बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट या मानवीय पर्यावरण क्या होता है, किसे कहते हैं. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट बच्चों कह सकते हैं आप इंटरैक्शंस एंड क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ह्यूमन एनवायरनमेंट. मानव द्वारा प्रयास पूर्वक निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं. बच्चों मनुष्य जो है अपने आसपास जो वातावरण बनाता है, मनुष्य क्या बनाता है बच्चों, उसने क्या निर्माण किया है, उसने जो है अपने आसपास जो है बस्तियाँ बसाई हैं, परिवहन के साधन इकट्ठे किए हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन यानी संचार की सुविधाएं मनुष्य ने आज बहुत प्रगति कर ली है और इतनी सारी सुविधाएं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब करता है. तो यही जो है मानवीय पर्यावरण होता है. मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं. बच्चों पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, प्रारंभिक मानव कैसे रहते थे उनको देखते हैं. बच्चों प्रारंभिक मानव जो थे वो पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर थे. वो दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. और जो है उनका जो वो घर भी नहीं बनाते थे, बस्तियाँ भी नहीं बसाते थे, वो जो है घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ जो है जंगलों में घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था भोजन इकट्ठा करना. और भोजन इकट्ठा करने के लिए उनको जो है जंगलों में वो क्या करते थे बच्चों, शिकार करते थे, ठीक है, और फल फूल इकट्ठा करते थे. ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए उनको जंगलों में घूमना पड़ता था. और उनके जीवन का कुछ उद्देश्य भी नहीं था कि उनको कुछ करना है, खाना पीना और सोना, बस अपना पेट भरना है उनको, भोजन इकट्ठा किया घूमे और उसके बाद जो है सो जाना. तो उनको ना तो घर एक जगह टिक के रहने की आवश्यकता पड़ती थी और ना ही उनको मकान की या घर की आवश्यकता महसूस हुई होगी, बाद में महसूस हुई होगी जब मौसम ने उनको सताया होगा तो बाद में जो है उनको घर की आवश्यकता अवश्य महसूस हुई होगी. लेकिन उससे पहले जो है बच्चों को पेड़ों पे रहा करते थे, ठीक है, और गुफाओं में रहा करते थे. इस तरह से जो है उनका दिन बीता करता था. पर समय के साथ बच्चों प्रारंभिक मानव ने जो है फसल उगाना सीखा. धीरे धीरे जब फसल उगाना सीखा तब जो है वो ये महसूस हुआ कि फसल की देखभाल के लिए, खेती करने के लिए उनको जो है एक स्थान पर रुकना आवश्यक है, क्योंकि पौधे की देखभाल करनी होगी, उसमें पानी डालना होगा, वो बढ़ेगा, उसमें से फल आएगा, तब तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे. तो इसके लिए जो है उनको एक स्थान पर रहने की आवश्यकता महसूस हुई. तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मानव जो है बस्तियाँ बसाने लगा और जो है इस तरह से जो है बस्तियों का विकास शुरू हुआ. बच्चों आइए हम पढ़ते हैं सेटलमेंट. बच्चों सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, रहने के लिए जो है अपने घर बनाते हैं उसे जो है सेटलमेंट कहा जाता है. हम सभी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं ना, तो वो जो है सेटलमेंट कहलाता है. बच्चों इसके बाद आता है साइट यानी बसाव स्थान. बसाव स्थान वो स्थान होता है जहाँ पे जो है मानव रहने के लिए अपनी बस्तियाँ बसाता है. और मानव को बस्तियाँ बसाने के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएँ होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, वो होने पर ही मानव वहाँ पे अपना निवास स्थान बना सकता है. ऐसी कुछ फेवरेबल कंडीशंस है किसी भी साइट को यानी बसाव स्थान के लिए, किसी भी साइट के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो आवश्यक होती हैं, वहीं पर जो है मनुष्य जो है अपना निवास स्थान बनाता है. जैसे सबसे पहले तो क्या होना चाहिए बच्चों, वहाँ की क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु. अगर जलवायु अनुकूल नहीं होगी तो कोई भी जो है वहाँ पर रहना नहीं चाहेगा. जैसे बहुत गर्म इलाका है या बहुत ही ठंड है तो ऐसे इलाकों में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. और जो है ऐसा जलवायु ऐसा होना चाहिए कि जो है वहाँ पे लोग जो है फसल उगा सके, अपने भोजन उनको मिल सके, क्योंकि इंसान भूखा तो नहीं रह सकता, खाने के लिए उसको भोजन चाहिए. तो भोजन ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जहाँ मनुष्य जो है खेती कर सके. तो उस खेती करने के लिए सबसे आवश्यक है अनुकूल
जलवायु। उसके बाद बच्चों जल की उपलब्धता, सबसे इम्पोर्टेंट है जल, पानी का होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो है हमारी जो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जो पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हैं, सभी जो है रिवर्स वैली, जो नदियां हैं, नदियों के किनारे जो है पनपी हैं बड़ी बड़ी सभ्यताएं। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो इंडस रिवर के किनारे जो है चीन की जो सभ्यता है वो जो है वांगोमो नदी के किनारे, और जो नील नदी है अफ्रीका में, उस नील नदी के किनारे जो है मिश्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन जो सभ्यता है, टिग्रिस रिवर। तो ये पुरानी सभ्यताएं हैं, बहुत पुरानी सभ्यताएं, और ये सभी सभ्यताएं जो है वो जो है नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि बच्चों नदी के किनारे पानी है, और मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी कितना आवश्यक है कि आप सभी जानते हैं। पानी के बिना जो है हम कुछ घंटे भी नहीं रह पाते हैं बिना पानी पिए। मनुष्य पानी पिए बिना अगर एक हफ्ते भी जीवित रह गया तो ठीक है, वो जी जाएगा, पर उससे ज्यादा वो नहीं जिंदा रह सकता है। पर पानी जो है मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, मनुष्य के बसाव के लिए जल की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है बच्चों उपयुक्त भूमि, उपयुक्त होनी चाहिए। अगर भूमि बहुत पथरीली हुई, रेगिस्तानी हुई, तो वहाँ पर जो है मनुष्य जो है खेती नहीं कर सकेगा, और जब वो खेती नहीं कर सकेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे आवश्यक है उपयुक्त भूमि भी जो है होना बहुत ही आवश्यक है। हम मनुष्य कठिन दशाओं में रह सकता है, पर जो है भूखे कई दिनों तक जीवित रह सकता है, पर जो है कितने दिन भूखे रहेगा, बहुत दिन तो वो भूखा नहीं रह सकता है। इसके अलावा जो है उपजाऊ मिट्टी, नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी बहुत हुआ करती थी, तो जो नदियाँ होती हैं आपने देखा होगा भारत में भी जो है हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि वो नदियाँ जो है उनको सींचती है, नदियों से वहाँ पे जो एलिवल सॉयल आता है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे लोगों का जो है बसाव अधिक होता है। तो उपजाऊ मिट्टी होना बहुत आवश्यक है कृषि के लिए खासकर। तो बच्चों ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, ठीक है, ये प्राकृतिक दशाएं थी जो जो है बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी स्थान पे बसाव के लिए। तो मनुष्य जो है इन्हीं सारी सुविधाओं को, इन्हीं सारी प्राकृतिक दशाओं को देखते हुए जो है वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा सेटलमेंट, अब हम देखते हैं कि सेटलमेंट जो है कितने प्रकार का होता है। ये बस्तियाँ हैं, बस्तियों के प्रकार, कितने प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, बस्तियाँ जो है दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जो है ये वो बस्तियाँ होती हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। विच आर दीज आर द सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम सेटलमेंट्स जो होता है उसको जो है हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। और बच्चों ये बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर जो है ये सघन वन, डीप फॉरेस्ट, जंगलों में जो रहने वाले, जो लोग जंगल में रहते हैं वहाँ पे जो है घूमते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी बस्तियाँ मिलेंगी डीप फॉरेस्ट में, सघन वनों में, जहाँ पे लोग जो है एक जगह टिक कर नहीं रहते, ठीक है। जैसा कि आप इसका नाम से ही जानते हैं कि टेम्पररी सेटलमेंट है, अस्थायी बस्तियाँ हैं, यहाँ पे लोग परमानेंट नहीं रहते हैं। तो पहला था आपका डीप फॉरेस्ट, दूसरा जो है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर भी इस तरह की बस्तियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि जो है लोग जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहना पसंद नहीं करते, तो ऐसे इलाकों में भी जो है आपको इस तरह की बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है बच्चों माउंटेन्स में इस तरह की बस्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी जो है बच्चों रहने की दृष्टि से बहुत कठिन होता है, वहाँ पे लोग इतनी आसानी से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में भी जब लोगों को जब बहुत अधिक ठंड का मौसम आता है तो जो है वो नीचे की तरफ मैदानों की तरफ चले आते हैं अपने मवेशियों के साथ में, ताकि जो है वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके और अपने मवेशियों के लिए चारा वगैरह इकट्ठा कर सके। तो ये कुछ जगह थी जहाँ पर जो है हम जो है टेम्पररी सेटलमेंट्स देख सकते हैं। जो लोग टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं वो काम क्या करते हैं? वो अगर एक जगह टिक कर रहते नहीं हैं तो उनका तो कोई व्यवसाय नहीं होगा, वो एक जगह में कोई नौकरी भी नहीं कर रहे होंगे, या कहीं कोई जॉब जैसे हम लोग यहाँ आजकल करते हैं, कोई मेडिकल में काम कर रहा है ना, कोई एजुकेशन के फील्ड में है,
कोई जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है ऐसा तो काम वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए तो उनको एक जगह पर रुकना पड़ेगा। तो वो क्या काम करते थे, ऐसे लोग जो है बच्चों ज़्यादातर जो है आखेट करते थे। उनका काम हो सकता है हंटिंग, हंटिंग सबसे पहले आते हैं हंटिंग में। हंटिंग क्या है बच्चों, शिकार करना। ये जो लोग जंगलों में रहते हैं उनका पेट तो शिकार करके ही भरता है, तो इनका इसलिए पहला पेशा क्या होता है, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग मतलब फल फूल इकट्ठे करना, इस तरह से जो है वो अपना पेट भरते थे। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब उन्होंने शिफ्ट कल्टीवेशन करना शुरू किया तो वो एक जगह रुक कर कल्टीवेशन नहीं करते थे, वो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कुछ समय के लिए जो है एक स्थान पे उन्होंने जो है जमीन की सफाई की, खेती की, और जो है फसल लेने के बाद में वहाँ से निकल जाता है जाते थे, तो इसको जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ट्रांसह्यूमंस क्या है बच्चों, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स। लोगों के मौसमी आवागमन को जो है क्या, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते थे वो लोग क्या करते थे, अपने पशुओं के चारे के लिए और मौसम की मार से जो है बचने के लिए जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। जैसे कि जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए, और ठंड जब ठंड का मौसम आता है तो वहाँ पे चारे वगैरह की जो है दिक्कत आ जाती है, कमी हो जाती है, तो पशुओं के चारे के लिए जो है वो उस स्थान को छोड़ के नीचे मैदानों की तरफ आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो है हम ट्रांसह्यूमस या ऋतु प्रवास कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट यानी हमेशा। तो यहाँ पे लोग जो है लॉन्ग पीरियड के लिए बच्चों, लंबे समय के लिए लोग जो है जहाँ पर घर बना के रहते हैं उसको जो है परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं, घर बनाए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने घर बना दिया और वहाँ पे हम रहना शुरू कर देते हैं और वहीं से जो है अपना काम करते हैं। तो इस तरह का जो सेटलमेंट होता है वो परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। बच्चों आपकी किताब में एक कहानी दी हुई है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको शॉर्ट में उसका स्टोरी बताती हूँ। बच्चों इसमें एक बच्ची है मेरी, उसका जो है जन्मदिन होता है और केक काटने के लिए जो है वो अपने मित्रों के साथ जो है गुरप्रीत उसकी जो फ्रेंड थी उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है थकी और खांसती और हाँफती हुई जो गुरप्रीत वहाँ पहुँचती है। उसने बताया यातायात जाम था और उसकी वजह से उसे लेट हो गया। तो मेरी की माँ जो है वो गुरप्रीत की पीठ जो है थपथपाती है और जो है उसे कहते हैं क्या करे, हमारे जो शहर में बहुत प्रदूषण है। उसके साथ एक बच्चा था जो जिसका नाम था प्रसाद, वो हाल ही में जो गांव से आया था, उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। मेरी के जो पिताजी हैं वो बताते हैं शहरों में जो बढ़ती आबादी है उसके कारण दिन प्रतिदिन जो है वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब मेरी पूछती है तब लोग शहर आते क्यों हैं, तो उसकी माँ बताती है कि वे जो है यहाँ पर नौकरी करने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए एवं जो है चिकित्सकीय सुविधा यानी मेडिकल की फैसिलिटीज़ की तलाश में जो है आते हैं। तो मैरी ने पूछा यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। तो मिसेस थॉमस ने बताया, मेरी के पिता ने बताया कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ शहरों में दिखाई देती है, जहाँ लोग जो है भीड़ भाड़ एवं जो है अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जो है जल एवं विद्युत की कमी जो है एक आम समस्या बन गई है। तो प्रसाद कहता है कि हमारे गांव में जो है भले ही जो है बड़े जो है सिनेमा घर या अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल, ठीक है, अस्पताल नहीं है, लेकिन जो है क्या कहता है कि हमारे यहाँ में बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए जो है ताज़ी हवा उपलब्ध है। प्रसाद ने बताया कि एक बार जो है उसके दादाजी बीमार पड़े थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो बच्चों इस कहानी को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि आज जो है शहर जो है काफ़ी प्रदूषित हो चुके हैं, और जो है ये इस कहानी के आधार पर मानव बस्तियों को जो है ग्रामीण और शहरी दो तरह की बस्तियों में बांट सकते हैं। ग्रामीण बस्तियां जो है आज भी जो है वहाँ पे स्वस्थ जो है वातावरण है, वहाँ पे लोग जो है
अच्छी तरह से मतलब फ्रेश एयर उनको मिलती है, जबकि शहरों में जो है लोग पॉल्यूशन से, भीड़ भाड़ से, गंदगी से जो है परेशान रहते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों, ये जो सेटलमेंट्स हैं, टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स और परमानेंट सेटलमेंट्स, बच्चों ये जो है आपके कहाँ पे होता है? इस तरह का सेटलमेंट जो है गांव में भी हो सकता है, शहरों में भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सेटलमेंट गांव में किस तरह का होता है और जो है शहरों में किस तरह का होता है। तो इस बेस पे, इस आधार पे जो है हम सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं रूरल सेटलमेंट क्या होता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, और जो है अर्बन सेटलमेंट क्या है, ठीक है, और वहाँ पर लोग जो है कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। दोनों ही स्थानों का जो है, रूरल सेटलमेंट का और जो है अर्बन सेटलमेंट, दोनों ही स्थानों का जो है रहन सहन का तरीका, काम करना, उनका जो व्यापार है, बिजनेस, सब अलग अलग होता है। तो आइए अब उसको देखते हैं। बच्चों पढ़ रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट जो है रूरल और अर्बन दो तरह के होते हैं। लिखा है यहाँ पे देखो, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट। पहले रूरल सेटलमेंट पढ़ते हैं, क्या होता है रूरल सेटलमेंट। बच्चों जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो गांव होते हैं, वो जो है रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हम आइए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैसे जो है हम गांव को और शहर को, अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या उसको कैसे जो है हम अलग अलग बताएंगे, क्या अंतर होता है दोनों में, रूरल सेटलमेंट क्या है और जो है अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, यानी जो विलेजेस हैं, वहाँ पे काम क्या होते हैं, वहाँ पे उनका जो व्यवसाय क्या है, उसको देखते हैं, उसी से जो है हमको उसका अंतर पता चलेगा। तो सबसे पहला जो है बच्चों, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। गांव में जो है सबसे मुख्य जो है पेशा जो है लोगों का, ज़्यादातर जो है वो कृषि होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है गांव का जो पिक्चर है, उसमें आप देखिए किस तरह से जो है किसान या जो भी एग्रीकल्चर है वो काम वहाँ पर हो रहा है। इसके बाद आते हैं बच्चों फिशिंग। दूसरा जो है ग्रामीण लोग जो है फिशिंग करते हैं, मच्छी पालन। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गांव में जो है फिशिंग का काम किया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों वानिकी, यानी फॉरेस्ट्री। गांव में रहने वाले लोग फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, यानी जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जंगलों से जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको जंगलों में लगाने का काम, ये सारा वानिकी के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें मिलती हैं या वहाँ पे वो लोग जो है जंगलों में काम करते हैं, ठीक है, लकड़ियाँ काटना, बहुत सारे काम होते हैं फॉरेस्ट वानिकी के अंतर्गत। तो ये सारा काम जो है वो गाँव में रहने वाले लोग जो है करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, अगला है बच्चों क्राफ्ट्समैन, जिसको हम हिंदी में दस्तकारी कहते हैं। आपने देखा होगा जो कुम्हार है गांव में, मिट्टी के घड़े बनाता है, टोकरियां बनाते हैं, ठीक है, ये जितने भी कार्य हैं ये सब दस्तकारी के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग जो है बुनाई का काम, कपड़े बुनने का काम, ये सारा काम जो है छोटे छोटे जो काम होता है, ये सारा काम जो है गाँव में लोग करते हैं, जो कि दस्तकारी के अंतर्गत आता है। इसमें मिट्टी के खिलौने बनाने का काम भी होता है। इसके अलावा जो है बच्चों और एक काम होता है गांव में, क्या है, एनिमल रियरिंग, पशुपालन। गांव में तो पशुपालन जो है एक तरह से मुख्य काम ही है। आप किसी ऐसे गांव में गए होंगे और आपने वहां पे पशुओं को ना देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में लोग जो है पशु अवश्य पालते हैं, गाय, भैंस, है ना, क्यों पालते हैं, दूध के लिए। और गाय और बैल जो है खेती करने का काम आता है, खेतों में हल जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है गांव में होती है। क्या क्या आपने देखा, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ट्रांसफर और एनिमल रियरिंग, ये जो है गाँव में रहने वाले लोग जो है इस तरह के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। आइए देख सकते हैं अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट क्या है बच्चों, टाउन्स एंड सिटीज़।
जो है अर्बन सेटलमेंट के आते हैं, छोटे शहर हैं बड़े शहर ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। बड़े शहरों में जैसे आप ले सकते हैं, आप सिटीज़ किसको बोल सकती हैं, जैसे आप मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, इसको जो है आप सिटीज़ में रख सकती हैं, और टाउन्स में आप पोर्टर को रख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे जो शहर हैं और बड़े शहर ये सभी जो है अर्बन सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स में लोग क्या काम करते हैं। आपने देखा कि ग्रामीण इलाकों में तो लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट, एनिमल रेयरिंग, ये उनका व्यवसाय होता था। तो शहरों का व्यवसाय अलग है। शहरों में लोग क्या काम करते हैं, उनका जीविका का क्या साधन है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग। शहरों में लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कल कारखाने जो है शहरों में ही पाए जाते हैं, अपने स्क्रीन में जो है देख सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो शहरों में ही होते हैं, बड़े बड़े कारखाने, जो मशीनें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सब शहरों में ही पाई जाती हैं। इसके बाद है बच्चों ट्रेडिंग। व्यापार, व्यापार जो है मुख्य होता है शहरों में। बिजनेस या सामान का यहाँ से वहाँ ले जाना, बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जो है सामान भेजे जाते हैं। जैसे व्यापार तो छोटे स्तर पर गांव से भी होते हैं, पर शहरों में जो है शहरों में जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, जिनसे जो है बड़े मात्रा में जो है व्यापार किया जाता है। इसके बाद आते हैं बच्चों सर्विसेज। सेवा का कार्य, सेवा सर्विसेज, यानी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो भी काम होता है, जैसे आप पोस्टल सर्विस ले लीजिए, मेडिकल डिपार्टमेंट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, ये सभी किस में आते हैं, सभी सेवाएं हैं। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो है निर्माण, व्यापार, सेवा, यही जो है मुख्य काम होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की तरह वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के लिए ना तो वहाँ पे जमीन होती है, ना फिशिंग करने के लिए जो है उनको उतना अच्छा जो है साइट मिल पाता है। फॉरेस्ट्री, शहरों में फॉरेस्ट तो गायब ही हो गए हैं, फॉरेस्ट तो शहरों में दिखते ही नहीं है। और क्राफ्ट करके छोटे मोटे उद्योग धंधे वो गाँव में ही होते हैं। पशुपालन तो शहरों में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों शहरों में जमीन जो वो बची ही नहीं है खेती करने के लिए, वहाँ जमीन है ही नहीं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड उपलब्ध नहीं है इतना। वहाँ पे शहरों में जो इतना भीड़ भाड़ हो गई है, इतने घर बन गए हैं, लोग इतने बस गए हैं, इतने कल कारखाने लग गए हैं शहरों में, कि लोगों को जो है एग्रीकल्चर या कृषि या पशुपालन इन सब चीज़ों के लिए शहरों में स्थान ही नहीं बचा है। तो इसीलिए जो शहरों का जो मुख्य जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज, ये सारे काम जो है वो शहरों में होते हैं। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं ये जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स हैं ये जो है किस तरह से बसे हुए हैं, मतलब उनकी जो सघनता है या जो है प्रकीर्णता है उसके आधार पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट में बांटा गया है। सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्तियाँ, मतलब इनका जो बसाव है वो किस तरह का है, ये बहुत घने बसे हुए हैं या फिर जो है दूर दूर है। तो इस आधार सेटलमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, जो जहाँ पे घर जो है बहुत ही पास पास होते हैं, और ऐसे जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर शहरों में होते हैं, शहरों में ही इस तरह के कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। आप जानते ही होंगे जो मुंबई शहर है कितना घना बसा है, वहाँ पे जो है बहुत ही भीड़ भाड़ है, लोगों को पैर मतलब घर इतने पास पास है, वहाँ पे बहुत ही घना बसा हुआ है। दिल्ली महानगर है, इसके अलावा जो मुंबई जितने भी महानगर है आप देखिए वो बहुत ही कॉम्पैक्ट नज़दीक नज़दीक है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों जो स्कैटर्ड सेटलमेंट, जिसे हम जो प्रकीर्ण बस्तियाँ कहते हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या होती है बच्चे, जो दूर दूर जहाँ पर मकान जो है या घर जो है या जो बस्तियाँ होती हैं वो दूर दूर फैले होते हैं। एक घर यहाँ है तो एक दूसरा घर जो है आपको काफ़ी दूर पे मिलेगा।
तो ऐसे जो बस्तियाँ होती है उसको जो है हम स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कहते हैं। और इन बस्ती ये बस्तियाँ जो है ज़्यादातर आपको जो है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, डीप फॉरेस्ट में या फिर ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले इलाके में जहाँ पे जो है जलवायु रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती है, मतलब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं ना जहाँ पे लोग रहते हैं, जलवायु वहाँ उपयुक्त नहीं होते हैं भी, बहुत ठंड, उपयुक्त नहीं होने का क्या है बच्चों, बहुत ठंड, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होगा या बहुत ही जो है गर्म जलवायु होगी, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में जो है इस तरह के जो बस्तियाँ पाई जाती है, जैसे आप देख लीजिए आपका जो टुंड्रा प्रदेश है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड लोग जो है आपको रहने के लिए मिलेंगे। और उसी तरह से गर्म रेगिस्तान ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा घना बसा हुआ इलाका नहीं मिलेगा। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है ऐसे ही इलाकों में पाए जाते हैं, और गांव भी जो है स्कैटर्ड सेटल, गांव में भी जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलता है, क्योंकि गांव भी कई कई गांव तो बहुत घने भी बसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गांव जो है दूर दूर बसे हुए भी होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे टुंड्रा जो इलाका है, ठंड, बहुत ही ठंडा इलाका है, वहाँ पर जो है वहाँ पर जाती है एस्किमो जो है वहाँ पर रहते हैं, और जो है वो बर्फ का जो घर है वो बनाकर जो है वहाँ पे आइस से घर बनाते हैं, जिसको इग्लू बोला जाता है, उसमें जो है वो लोग रहते हैं। तो वही लोग आपको टुंड्रा प्रदेश में मिलेंगे वहाँ पे, और बहुत सारा भीड़ भाड़, जैसे शहरों में जो भीड़ भाड़ होता है ना, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा जो है भीड़ भाड़ आपको उन प्रदेशों में देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों आज हमने मानव पर्यावरण के अंतर्गत जो है मानव बस्तियों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद अभी इसमें हमें पढ़ना है परिवहन के बारे में, और जो है कम्युनिकेशन यानी जो संचार, उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो आज हम जो है यही समाप्त करते हैं, हम परिवहन और जो है संचार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।